इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज आएगी। और क्या पता ये ट्रेन आपके साथ साथ ही चलने लगे। कहीं दूर इन पहाड़ों के ऊपर से झांकती इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी दिखेगी। और अगर रास्ते में आपको चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाइए आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में है। छह हजार 700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है। और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। और इंडिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब इससे ज़्यादा हाइट पे कोई और रेलवे स्टेशन नहीं है इंडिया में। और सोचो इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बाद भी स्टीम इंजन है जिसके थ्रू ये टॉय ट्रेन ऊपर तक आती है। कोई और जैसे कोई डीजल का इंजन नहीं है, वो स्टीम इंजन है जिससे टॉय ट्रेन इतनी ज़्यादा हाइट तक आती है। इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जहां आपको आज भी सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते दिख जाएंगे, जिनमें से कुछ स्टीम इंजन तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और जिस ट्रैक पर ये चलते हैं वो इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आता इतनी बड़ी ट्रेन सिर्फ इस 2 फीट के ट्रैक पर चलती कैसे है। और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। और शायद ये ऐसा टॉय है जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी है ही इतनी सीनिक। जैसे मतलब आप दार्जिलिंग में आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक हिस्ट्री वाली फील आएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बहुत टाइम से प्रिजर्व करी हुई हैं। यहाँ की ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। और दार्जिलिंग में जब मैंने यहाँ के एरिया घूमा, जब दार्जिलिंग में मैं आसपास के एरिया में गया, थोड़े बहुत लोगों से बात करी, तो मैंने देखा यहाँ पे ना नेपाली बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ऑब्वियसली मतलब ये थोड़ा नेपाल के बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा पास है दार्जिलिंग, तो यहाँ पे नेपाली और बुद्धिस्ट कल्चर थोड़ा सा मिक्स है। बट मैंने सोचा था बंगाली बोलते होंगे, नहीं, बट यहाँ पे लोग ज़्यादातर नेपाली बोलते हैं। और सिर्फ दार्जिलिंग में ही आपको 3-4 लैंग्वेजेस मिल जाएगी, जैसे कि नेपाली, बंगाली, हिंदी, मतलब इंडिया के हर कोने में आपको एक अलग लैंग्वेज मिल जाएगी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो। और ऐसे ही मुझे ट्रैवल करते करते रियलाइज़ हुआ कि एक लैंग्वेज से तो काम नहीं चलेगा, मतलब आपको एटलीस्ट 2-3 लैंग्वेजेस तो देखो आनी चाहिए, और वो भी तब जब घर बैठे या ट्रैवल करते हुए भी। कोई भी लैंग्वेज सीखना इतना ईजी हो गया है ड्यूलिंगो की वजह से, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ऐप स्टोर से। और बस एक गेम की तरह इससे आप बहुत ही इजीली 40+ लैंग्वेजेस में से कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से फ्रेंच। तो आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, पर दार्जिलिंग में आते ही सबका एक ही मन होता है यहाँ की टॉय ट्रेन में सफर करने का। तो चलो अब इस सफर को शुरू करते हैं। ट्रेन के चलने से पहले ही इंजन में स्टीम को रेडी कर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ भी कोयला डालते हैं है ना, और फिर भाप बनती है। आगे पानी डालते हो? टंकी है पानी का, पानी की टंकी है। कितनी बड़ी टंकी है? वो 5,000 लीटर आती है। 5,000 लीटर कोयला गरम, पानी गरम होता है, जो कोयला था उससे भाप होता है, स्टीम होके यहाँ दिखाता है स्टीम कितना है। अच्छा, डाउन होने के बाद नहीं चलेगी। अच्छा, अभी जैसे 150 दिखा रहा है, 150 टन है, 150 टन है। स्टीम इंजन्स भले ही सालों पुराने हों, पर इस ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड से व्यू दिखता है। इस जर्नी में टॉय ट्रेन दार्जिलिंग से खूम स्टेशन की राउंड ट्रिप करती है। और क्योंकि खूम दार्जिलिंग से
लगभग 1000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है, तो उसकी स्टीपनेस को कम करने के लिए इन दो स्टेशन के बीच में बना है एक लूप जिसका नाम है बताशे लूप। और इस लूप में घूमकर टॉय ट्रेन इतनी ज्यादा हाइट पर भी आराम से चढ़ जाती है। यह टॉय ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी ये किसी घर के पीछे से तो कभी इन मार्केट और बाजार के एकदम करीब से होकर जाती है। रोड के साइड में ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन भी जा रही है, और उसी के साथ में आपकी मार्केट भी पूरी लगी हुई है ट्रैक के एकदम साथ ही साथ, और मार्केट के साथ में से निकल के जा रही है पूरी टॉय ट्रेन। और कुछ इंचेस का गैप या फिर कहीं कहीं तो इंचेस का भी गैप नहीं है प्रॉपर। भैया इतनी पास से जाती है रोज ट्रेन आपके दुकान से? इतनी पास से जाती है ट्रेन रोज, कोई दिक्कत नहीं होती? ये ट्रैक के पास की कुछ दुकानें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, और उससे भी पुराना है ये रेलवे रूट। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज कई बार इतने सालों से दुकानों के इतनी करीब से ट्रेन के जाने के बाद भी यहाँ कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है। पर अगर आपको लग रहा हो कि इस ट्रेन से पुराना और फेमस तो दार्जिलिंग में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक चीज़ है जिसकी वजह से ही दार्जिलिंग में ये ट्रेन बनाई गई और जो इस 100 साल पुरानी ट्रेन से भी पुरानी है, वो है यहाँ की चाय। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अंग्रेज़ों ने दार्जिलिंग में टी प्रोड्यूस करनी शुरू करी, और यहाँ के इतने अच्छे क्लाइमेट और ऑल्टीट्यूड की वजह से ये चाय बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी और जल्द ही वर्ल्ड फेमस हो गई। फिर दार्जिलिंग से चाय पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज बनाई गई। आज दार्जिलिंग में हर साल 70 लाख किलो चाय उगती है, जो कि इंडिया में उगने वाली चाय का सिर्फ 1% है। पर दार्जिलिंग चाय अपनी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की वजह से फेमस है, इसीलिए ही यहाँ की ज़्यादातर चाय आज भी एक्सपोर्ट की जाती है, जिसमें से एक तरह की चाय तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव चाय में से एक है, दार्जिलिंग सिल्वर टिप्स टी, जिसके 1 किलो की कॉस्ट है 1.5 लाख रुपये। तो क्यों ना दार्जिलिंग की चाय को टेस्ट किया जाए। फर्स्ट फ्लश क्या होता है, सेकंड फ्लश क्या होता है? अच्छा अच्छा, फर्स्ट फ्लश स्प्रिंग होता है, सेकंड होता है समर। अच्छा अच्छा, जितना पत्ता छोटा होते जाता है ना उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है सही। मैंने यहाँ इतनी चाय टेस्ट करी कि मुझे यहाँ की चाय की आदत हो गई, पर एक और आदत हो गई जो शायद अच्छी भी है, ड्यूलिंगो से लैंग्वेज सीखने की। मैं भूल जाऊं बट ड्यूलिंगो याद रखता है। दार्जिलिंग में आपको टी गार्डन्स तो आसानी से दिख जाएंगे, पर यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इतनी आसानी से नहीं दिखती। यहाँ से दिखने वाली इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा। दार्जिलिंग में मैं 1 हफ्ते से था, जिसमें से कई दिन मैं रोज सुबह उठकर बस उसके दिखने का इंतज़ार करता था। और सिर्फ मौसम का साफ होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उस पीक को देखने के लिए बहुत साफ विजिबिलिटी भी चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो शायद मुझे दिखेगी ही नहीं। पर एक दिन जब सुबह हुई Thank you.
जब दिखी तो पूरी स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन दिखी, जिसमें कई सारी पिक्स मिलकर स्लीपिंग बुद्धा जैसी फॉर्म बनाती हैं। जो सच में बेहद खूबसूरत दिख रहा था। क्योंकि दार्जिलिंग में सालों पहले ही रेलवेज आ गई थी, तो आज दार्जिलिंग एक प्रॉपर सिटी की तरह है। इसलिए यहाँ की रात में भी दिन जैसी एनर्जी होती है। पर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक विलेज में आप सुकून और शांति को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये जगह है लेपचा जगत। दार्जिलिंग में चाहे जैसा मौसम हो, पर यहाँ आपको ऐसे ही बादल इधर से उधर घूमते दिख जाएंगे। पर यहाँ के इस खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट में आते ही ये जगह एक सपने जैसी लगने लगती है। क्या फॉरेस्ट है यार, ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और एकदम ऐसे अंधेरा दिख रहा है। मतलब फॉग आ रहा है ऊपर से, मतलब बादल ही है, बादल आ रहे हैं ऊपर से नीचे। और अभी जैसे ऐसे इसमें से फॉग निकल रहा है ना, जब फॉग ऐसे निकल रहा है इनके पेड़ों के बीच में से, वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाह, धीरे धीरे ऐसे फॉग पूरा भर रहा है फॉरेस्ट में। और मुझे पता है मुझे भी बहुत ज़्यादा नीचे उतर के जाना है, बट और अगर फॉग ज़्यादा हो गया तो मुझे शायद रास्ता भी दिखेगा ठीक से, बट ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कितनी ही ऐसी जगह होती है जहाँ आपको अपने होने का एहसास होता है, खामोशी ऐसी कि आपको अपनी सांसें तक सुनाई दे। लेपचा जगत का ये फॉरेस्ट ऐसी ही एक जगह थी। दार्जिलिंग बस एक शहर ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है, जहां नए की चमक भी है और पुराने की कदर भी, जहां चहल पहल भी है और खामोशी भी, जहां कुछ किलोमीटर में ही मौसम बदल जाता है। कई रूप, कई रंग, कई भाषा है इसकी, तभी तो दार्जिलिंग बस एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है।